हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल योर क्लासेस एंड माय नेम इज पीयूष। मैं 50 गोल्डन रूल्स की सीरीज के साथ में आपके साथ में जुड़ चुका हूँ। सो फटाफट लाइव आ जाइए और इस क्लास को पूरा देखिएगा, बिकॉज 3 रूल्स आज हम ऑलरेडी पढ़ने वाले हैं और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हम बहुत सारे करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से लाइव आ जाइए और इस क्लास के जो PDFs हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी योर क्लासेस की। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, आप सिर्फ टेलीग्राम चैनल को फॉलो करेंगे एंड वहाँ से फ्री PDFs का आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डिजीबुक्स खरीदनी है एक बार ट्राई ज़रूर करिए। डिजीबुक्स पर एडिशनल 10% डिस्काउंट के लिए आपको exam10 कोड यूज़ करना है, जिसके बाद आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन में लगा सकते हैं 4 चांद, बिकॉज इसमें आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं हर क्वेश्चन के और बहुत ही लेटेस्ट पैटर्न पे अपडेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के रूल्स क्या हैं। उसके पहले आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। 3 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम भी दूंगा। इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। हिज सेपरेशन पेन्स हर अलॉट एंड शी बिकम्स सैड। सेकेंड है, आई वॉन्ट योर फेवर, विल यू असिस्ट मी। थर्ड इज, माई मैंशन इन दैट स्टोरी वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। जल्दी से देखिए फटाफट, 10 सेकेंड का टाइम आपको अलॉट कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप अभी आपने पढ़ लिया होगा ये। तो इसके आंसर्स हैं, फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड वाला भी गलत है, थर्ड वाला भी गलत है। ये तीनों सेंटेंसेस बिल्कुल गलत लिखे हुए हैं। तो ये सेंटेंस का सही फॉर्मेट क्या होगा, चलिए देखते हैं। वापस इस सेंटेंस पे वापस आएंगे। देखो, ये कह रहा है वर्ड्स लाइक एक्सक्यूज, मेंशन, फेवर, पार्डन, सेपरेशन एट्सेट्रा। ये जो वर्ड्स होते हैं, जैसे एक्सक्यूज है, मेंशन है, फेवर है, पार्डन है, सेपरेशन है, ये वाले वर्ड्स पजेसिव केस नहीं ले सकते हैं अपने साथ में, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउंस ये नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये है रूल। अभी देखो वापस आके, इसमें लिखा है सेपरेशन, इसके पहले लिखा है हिज, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव, ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। फिर लिखा है योर फेवर, फेवर के पहले क्या लिखा है, पजेसिव एडजेक्टिव, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। माय मेंशन, मेंशन के पहले क्या लिखा है, पजेसिव एडजेक्टिव, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका सही फॉर्मेट क्या हो सकता है, सेपरेशन फ्रॉम हिम, फेवर के साथ, योर फेवर के साथ में क्या होगा, फेवर फ्रॉम यू। मेंशन, माय मेंशन की जगह पे क्या होगा, मेंशन ऑफ मी या मेंशन ऑफ माइन, ऐसे करके कुछ आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, लेकिन सेंटेंस में देखने पे ये बिल्कुल सही लगता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जब भी ये वर्ड्स आपको दिखेंगे, एक्सक्यूज, मेंशन, फेवर, पार्डन या सेपरेशन, आप डेफिनेटली इनके साथ में हमेशा ये चीज़ पे कॉशन रहेंगे कि कहीं पे भी पजेसिव केस यूज़ ना हुआ हो, अदरवाइज वो सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, इस पहली रूल को याद रखिएगा। दूसरा रूल देखिए क्या कहता है, सेल्डम और नेवर करेक्ट है, सेल्डम इफ एवर करेक्ट है, सेल्डम और एवर गलत है, सेल्डम इफ नेवर गलत है। ठीक है, सेल्डम के साथ में सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर। ठीक है, बस यही दोनों चीज़ें सही हैं। सेल्डम के साथ अगर और लगा है तो आप एवर नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा। सेल्डम के साथ इफ लगा है तो आप नेवर नहीं लगा सकते, ये भी गलत हो जाएगा। इन दोनों केसेस को आप याद रखेंगे, बिकॉज इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, तो अगर ये गलत हुआ तो सेंटेंस पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 रूल्स आपको याद रखने हैं यहाँ से, बहुत आसान है। सेल्डम और नेवर सही है, सेल्डम इफ एवर सही है, सेल्डम और एवर गलत है, सेल्डम इफ नेवर गलत है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें कुछ और क्वेश्चंस पे। शी इज़ द वेरी बेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, शी इज़ वेरी द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लासेस, शी इज़ द मच बेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लासेस, शी इज़ मच द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लासेस। 10 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को देखिए और बताइए इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है। ठीक है, सो समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है। देखो, पहला क्वेश्चन सही है, दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा सही है। ठीक है, सो 4 क्वेश्चंस में से 2 सही है, 2 गलत है। तो अभी इसमें कैसे ये सही है, कैसे गलत है, चलिए इस चीज़ को देखते हैं। पहले रूल कहता है द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि अगर वेरी यूज़ हुआ है और सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हुआ है तो द कहाँ रहेगा, इन सब वर्ड्स से पहले, ठीक है, तब ये सही होगा। लेकिन अगर मच यूज़ हुआ है तो मच के साथ में क्या होना चाहिए, मच आएगा, फिर आएगा द, फिर आएगा सुपरलेटिव डिग्री, ये बात याद रखेंगे। वेरी और सुपरलेटिव डिग्री जब आएंगे तो द इनके पहले आएगा।
लेकिन अगर मच आ गया तो द कहाँ आएगा, सुपरलेटिव डिग्री और मच के बीच में। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे, सो इसलिए आई थॉट कि ये 50 गोल्डन रूल्स में इंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, तो वापस आते हैं क्वेश्चंस पे, आप देखते हैं क्या कौन सा सही हो गया। दिस इज द शी इज़ द वेरी बेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लासेस। देखो वेरी आया है और बेस्ट आया है, यानी कि वेरी और सुपरलेटिव डिग्री आया है, इसके पहले क्या होगा द, यानी कि ये सेंटेंस सही है। शी इज़ वेरी द बेस्ट, वेरी द बेस्ट तो गलत हो गया क्योंकि वेरी बेस्ट के पहले आना चाहिए था द, ये वाला गलत हो गया। थर्ड देखो, शी इज़ द मच बेस्ट स्टूडेंट, मच बेस्ट के साथ में क्या आता है, मच और बेस्ट के बीच में आना चाहिए द, लेकिन यहाँ पे पहले लिखा है तो ये गलत हो गया। फोर्थ देखो, शी इज़ मच द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लासेज, ये सही है बिकॉज मच और बेस्ट के बीच में द आया हुआ है। क्लियर, तो इस तरह से चीज़ें आपको करनी है और ये रूल्स स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखने हैं ताकि एग्ज़ाम में कभी ये गलत तक इनकी वजह से कोई भी गलती ना हो पाए। ठीक है, नहीं तो छोटे छोटे रूल्स हैं और अगर इनसे गलतियाँ होंगी तो फिर बहुत खलेगा क्योंकि हम ऑलरेडी इन सबको 50 गोल्डन रूल्स में पढ़ चुके हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी है ताकि इनसे गलतियाँ कभी ना हो। ठीक है, रूल फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, अगर वेरी के साथ में सुपरलेटिव डिग्री आता है तो आप उसके साथ में क्या लगाओगे, द लगाओगे, लेकिन किससे, वेरी और सुपरलेटिव के पहले लगाओगे आप द। ठीक है, अगर मच और सुपरलेटिव डिग्री आते हैं तो मच और सुपरलेटिव डिग्री के बीच में आएंगे द भाई साहब। ठीक है, तो ये सारे रूल्स आपको समझ आ गए होंगे। सो लेट्स कम टू सम क्वेश्चंस, कुछ सवाल देखते हैं कि हमें समझ आया है कि नहीं सब कुछ एग्जैक्टली। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन लिखा है, सेल्डम और एवर शी विजिटेड हर ग्रैंड पेरेंट्स। याद है आपको सेल्डम के साथ में हम क्या क्या लगाते हैं, सेल्डम इफ एवर लगाते हैं, सेल्डम इफ एवर और सेल्डम और नेवर लगाते हैं, यानी कि सेल्डम और एवर ये गलत हो गया, पहली चीज़ तो ये हो गई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेल्डम और नेवर, ठीक है, ये हो जाएगा, या फिर हो जाएगा सेल्डम इफ एवर। यहाँ पे पॉजिटिविटी है इसलिए हम लिखेंगे सेल्डम इफ एवर, सेल्डम इफ एवर शी विजिटेड हर ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, अब आपके हिसाब से सेंटेंस सही होगा, नहीं, ये सेंटेंस अभी भी गलत है। देखो पहली चीज़ तो यहाँ पे ये गलती हो गई, सेल्डम और एवर, इसको हम सही करेंगे। दूसरी चीज़, मैंने आपको बताया था जब भी हम एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, एडवर्ब से जब भी शुरुआत होती है तो इन्वर्जन वाला रूल फॉलो होता है। याद है आपको दो दिन पहले मैंने पढ़ाया था, इन्वर्जन के रूल में क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है ना। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी यहाँ पे, शी विजिटेड हर ग्रैंड पेरेंट्स, यहाँ पे क्या आएगा, डिड शी विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स। समझ में आ रहा है, क्योंकि विजिटेड शी हर ग्रैंड पेरेंट्स तो गलत लगने लगेगा पढ़ने में, तो डिड शी विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पे होगा, तब ये सेंटेंस सही हो पाएगा। क्लियर है ये चीज़, तो जब भी कभी एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हो आप इन चीज़ों को ध्यान रखें, खासकर कि सेल्डम और एवर वाली चीज़ फॉलो हो रही है कि नहीं और लॉ ऑफ इन्वर्जन फॉलो हो रहा है कि नहीं। ठीक है, जब भी सेंटेंस की शुरुआत होगी एडवर्ब से, लॉ ऑफ इन्वर्जन आपको फॉलो करना है और ध्यान ज़रूर रखना है, नहीं तो सेंटेंस ये किसी और तरह से आपको फंसा के और गलत कर सकता है। ठीक है, चलिए सेकेंड वाला देखिए, ही इज़ द मच ब्रेवेस्ट चाइल्ड आई हैव एवर सीन। मच और सुपरलेटिव डिग्री के साथ में क्या होता था, याद आया आपको, मच और सुपरलेटिव डिग्री के साथ में क्या करते थे, द कहाँ आता था, बीच में आता था, तो क्या होगा, ही इज मच द ब्रेवेस्ट चाइल्ड आई हैव एवर सीन, तब ये सही हो पाएगा। द को हटा के कहाँ लाना पड़ेगा, मच और ब्रेवेस्ट के बीच में। ठीक है, थर्ड देखेंगे, आई डू नॉट वॉन्ट टू लिसन योर एक्सक्यूज इन एनी कंडीशन। हमने पढ़ा था एक्सक्यूज वर्ड जो होता है उस वाले कंडीशन में भी हम उसके पहले पॉजिटिव केस नहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई डू नॉट वॉन्ट टू लिसन एक्सक्यूज फ्रॉम यू इन एनी कंडीशन होगा इसका सही आंसर। योर एक्सक्यूज गलत है, इसका क्या होगा, एक्सक्यूज फ्रॉम यू सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, जो रूल्स अभी हमने पढ़े हैं उन्हीं पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं, तो इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये वही सारी चीज़ें हम रिवाइज कर रहे हैं जिसके रूल्स अभी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी दो मिनट पहले। ठीक है, देखो, सेल्डम इफ एवर डिड शी विजिट हर फार्म हाउस इन लोनावला। सेल्डम इफ एवर ये ठीक है, लेकिन हमने पढ़ा था कि जब भी हम एडवर्ब से शुरुआत करेंगे हम क्या करते हैं, हम हमेशा वर्ब को पहले लिखते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो डिड पहले यूज़ हुआ यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर आया यहाँ पे सब्जेक्ट, यानी कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो सिर्फ फोर्थ वाला सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट है, बाकी सारे सेंटेंसेस में गड़बड़ी थी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें अभी, और अगर आपको रूल्स रिवाइज़ करने हैं
तो चलिए जल्दी से क्विक रिविजन कर लेते हैं रूल्स हमने क्या क्या पढ़े हैं। पहला हमने रूल पढ़ा था वर्ड्स लाइक एक्सक्यूज मेंशन फेवर पार्डन एंड सेपरेशन, ये वाले वर्ड्स अपने साथ में पजेसिव एडजेक्टिव्स या पजेसिव प्रोनाउंस नहीं लेते हैं, ठीक है। पहला रूल ये हो गया, कौन से वर्ड्स एक्सक्यूज मेंशन फेवर पार्डन सेपरेशन, याद रखिएगा इनसे सेंटेंस बनेगा तो एकदम सही लगेगा, इसलिए आप इनको दिमाग में बिठा लीजिए। दूसरा रूल हमने क्या पढ़ा था, दूसरा रूल था सेल्डम और नेवर करेक्ट होता है, सेल्डम इफ एवर करेक्ट होता है, सेल्डम और एवर रॉन्ग होता है, सेल्डम इफ नेवर रॉन्ग होता है, ठीक है। थर्ड रूल हमने क्या पढ़ा था, अगर वेरी और सुपरलेटिव आया है तो उसके पहले आपको द लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर मच और सुपरलेटिव आया है तो दोनों के बीच में द लगेगा, ठीक है। ये थे आज के तीन स्पेशल रूल्स, तो इनको आपको ध्यान रखते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। मैंने जैसे कि आपको 4-5 क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करा दिए और ऑलरेडी हम लोग टेस्ट में लगभग 7-8 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं। सो अभी आपको पास ईयर पेपर्स को उठा के उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस को ऐसे छांट लेना है और उनसे प्रैक्टिस करनी है। जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, ठीक है। चलिए फिर आज की स्लाइड्स को यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल फिर से सुबह 9:30 और शाम को 6:00 फिलर्स की क्लास होती है, उसको देखा ज़रूर करिए बिकॉज वो क्लासेस स्पेशली आप लोग के लिए ऑर्गेनाइज होती हैं, ठीक है। सो आज शाम को 6:00 जुड़ना ना भूलिएगा। चलिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।